नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर एक बार फिर स्वच्छ भारत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है और इसीलिए गांव का विकास हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज है और इसी के लिए स्वच्छता पर बल भी दिया जाता है। इसी के लिए हम आज ये कार्यक्रम खास तौर पर लेकर के आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छता और ग्रामीण विकास विषय पर। और आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका मैं तारुफ अपने विषय विशेषज्ञ से करवाना चाहूँगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कीर्ति चंदेल जी, जो कि मौजूदा समय में डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विकास विभाग में, और इसके अलावा बतौर BDO भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, कार्यरत वो यहाँ पर रहे हैं। तो सर, आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जब भी बात आती है एक स्वच्छ समाज की, स्वस्थ समाज की, तो बात आती है स्वच्छता की, और स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ी पहल है इस ओर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ भारत को जो प्रेजेंट रूप दिया गया, जिसमें इसे एक मिशन के तौर पर चलाया गया, ये 2014 में शुरू हुआ था जब स्वच्छ भारत मिशन का दर्जा दिया गया था। और इसके दो पहलू रखे गए थे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी इलाकों में जो चलेगा। जो ग्रामीण इलाकों में है वो ग्रामीण विकास विभाग, हमारा विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है, वो इसे लागू करता है यहाँ पे जी। और हमने 2014 में पहला टारगेट रखा था कि हिमाचल प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्रदेश का एक दर्जा देंगे जी। तो जो टारगेट था हमने 2016 में अचीव किया था, जिसमें हमने हमारी अचीवमेंट रही थी हर घर में शौचालय हमने सुनिश्चित किया था। उसके लिए जो जिन घरों में शौचालय नहीं था उनको लगभग 12,000 रुपए की हमने प्रोत्साहन राशि दी थी, जिससे उन्होंने शौचालयों का निर्माण किया था। तो 16 के बाद भी जैसे हम देख रहे हैं 5 साल हो गए, उसके बाद हमने शौचालयों से आगे बढ़कर कूड़े के प्रबंधन के ऊपर भी काम किया, कूड़े कचरे के प्रबंधन के ऊपर, और दो तरह के ठोस, मतलब जो आपका गीला कचरा है और सूखा कचरा है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ हमने लिक्विड वेस्ट जो होता है घरों में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम बहुत डिटेल में ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत के सपने को एक मिशन के तौर पर पूरा किया जा रहा है, इसकी एक झलक देखते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। 28 अक्टूबर 2016 को प्रदेश ने खुले में शौच मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त किया। आज तक कुल 431 गांव में घर घर से ठोस एवं तरल कचरा एकत्रित करके पृथकीकरण उपरांत वैज्ञानिक तरीकों से निष्पादन आरंभ किया जा चुका है। इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी गांव में लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सुंदर पहाड़ी राज्य है, हमें इसे अब स्वच्छ भी रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2016 में इसको बाह्य शौच मुक्त कर दिया गया था, जब हम पूरे देश के अंदर जो है वो पहले नंबर पर आए थे। अब हमें ठोस और तरल कचरे से भी इस राज्य को जो है वो मुक्त करना है।
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच रही है, उसके चलते हमने पिछले 4 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश की 431 ग्राम पंचायतों को हमने वैज्ञानिक तरीके से ठोस और तरल कचरे को जो है उसका निष्पादन किया है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश को जो है वो हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और कचरे का जो है वो निष्पादन करेंगे। घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। स्वच्छ भारत एक मिशन के तौर पर इसे चलाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, जिस वजह से जैसे हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारे देश को भी साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सुथरा बनाना है, और इसी के तहत ये मिशन चलाया भी जा रहा है। खैर, अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस मिशन को अचीव करने के लिए, या मैं कहूँ इसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए? जी, जैसे 2016 में जैसे हम खुले में शौचमुक्त प्रदेश का हमें दर्जा मिला, उसके बाद हमने अगले इसमें कदम उठाए हैं और उसमें लगभग 6-7 मेजर कदम जो है हम उठा रहे हैं जी। पहला कदम है कि शौचालय, कुछ ऐसे परिवार हैं जो परिवार टूट के नए परिवार बनते हैं, कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके शौचालय टूट जाते हैं या कच्चे होते हैं, तो उसमें एक कैंपेन हम चला रहे हैं नो वन लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे जो पात्र परिवार पाए गए थे उनको हम फिर से मतलब दोबारा से या फिर पहली बार उनको 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, या फिर अगर वो परिवार अलग हुआ है, मान लीजिए एक परिवार अपने मेजर परिवार से अलग होता है, जैसे फिफ्थ जनरेशन ऐसा होता है ज्वाइंट फैमिली से आप न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, एकल परिवार में चले जाते हैं, तो उनको भी हम उस तरह से प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि वो शौचालय का अपना निर्माण करें। अच्छा, शौचालय निर्माण के साथ एक और जो हम कदम उठा रहे हैं जिसमें हमने अभी शुरू में इनिशियल स्टेप्स लिए मैं कहूँगा, वो है रिट्रोफिटिंग, यानी कि सिंगल पिट टॉयलेट को हम डबल पिट टॉयलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक नया शुरू हुआ कैंपेन है, तो इसमें हमने शुरुआत पे ब्लॉक स्तर पे हर खंड में एक ट्विन पिट टॉयलेट बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और इसको अगर हम आगे चल के ये करेंगे कि हम कई शौचालयों को जिनमें आपके खड्डे छोटे हैं, अच्छा, उनको हम सेप्टिक या सेप्टिक जो टैंक है वो छोटा है, उनको हम ट्विन पिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि वही शौचालय लंबे समय तक कार्यरत करते रहें। इसके साथ तीसरा हमारा चला है सामुदायिक शौचालयों की, हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में 2 से 3 सामुदायिक शौचालय हों। अच्छा, उसका पर्पस होता है जैसे मैं किन्नौर में रहा था या फिर शिमला में भी जैसे है कि हमारे यहाँ पे काम करने के लिए लोग आते हैं बाहर से जी, जैसे बागवानों में काम करने के लिए नेपाल से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इसके अलावा कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं गाँव में या फिर जैसे हमारे कुछ पब्लिक प्लेसेज हैं, आंगनवाड़ी हैं, स्कूल हैं या मंदिर हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। अब जैसे आजकल मैं माफ़ी चाहूँगी, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे आजकल ये नेशनल हाईवे का ही काम चल रहा है और बहुत सारा लेबर वर्क है वो हो रहा है बिल्कुल रोड साइड पर तो वहाँ पर भी एक बड़ी समस्या है बिल्कुल। इसीलिए हम प्रोत्साहन करेंगे हर पंचायत को 3 सामुदायिक शौचालय लगभग हर पंचायत में बने। सामुदायिक शौचालय बनाना और उसको मेंटेन करना, ये दोनों बराबर उतने ही जुड़ी हैं, क्योंकि काफी चैलेंजिंग है सर ये दोनों ही बिल्कुल। तो जो हमारे कुछ केंद्र से आंगनवाड़ी हो गए, स्कूल में, उनको मेंटेन करना उसमें आसान रहता है। जैसे हम, लेकिन हम जब बात करते हैं कि किसी हम औरों को देना है, जैसे लेबर आ रही है उनके लिए हम बना रहे हैं, उसमें हम फिर इनको थोड़ा आईसी या फिर थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं कि उसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाए, किसी उनके ग्रुप के किसी आदमी को उसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए। अच्छा, तो ये चल रहा है कदम शौचालयों की दिशा में। इसके अलावा हम, जैसे मैंने कहा, लिक्विड सॉलिड वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लिक्विड यानी कि जो हमारा तरल कचरा है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, सॉलिड वेस्ट यानी जो हमारे प्लास्टिक, कागज़ या सड़ने गलने वाली जो चीज़ें हैं या फिर आपके कि पशुओं का जो होता है गोबर, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर, ये मैनेजमेंट पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो एक स्कीम अभी आपने बताई, NOLB, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि अगर किसी ने उसके लिए अप्लाई करना है तो फिर वो कैसे पहल कर सकता है, कहाँ पहल करे सो दैट कि वो स्कीम का लाभ उठा सकता है। फिलहाल जो स्कीम का लाभ जिन्हें मिल रहा है, सरकार एक सर्वे करवा चुकी है, उस सर्वे में हमारे पास नाम है परिवारों के जिनके पास शौचालय नहीं है, वो टारगेट हमें भारत सरकार की ओर से मिला है। अच्छा, और
उन्हीं पात्र परिवारों को हम 12,000 रुपए इसमें दे रहे हैं। अभी कोई अपडेटेड इसके अलावा कोई अगर चाहता है कि उसके पास शौचालय नहीं है, शौचालय टूट गया है, राइट, और सरकार इसमें प्रतिबद्ध है कि शौचालय देना है, जी वो आपके खंड स्तर पे अपनी पंचायत पे एक एप्लीकेशन दे सकता है, क्योंकि इसके अलावा नरेगा से भी 12,000 रुपए का प्रावधान है जिसमें आप शौचालय बना सकते हो, इंडिविजुअल शौचालय। ठीक है, तो कोई परिवार ऐसा है जिसे लगता है कि शौचालय नहीं है और उसके पास नरेगा का जॉब कार्ड है, नरेगा स्कीम है सरकार की, उसमें वो काम करता है, तो उसके थ्रू भी वो उसमें प्रयास कर सकता है, उसको शौचालय उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, अभी ODF प्लस विलेजेस की ही बात कर लेते हैं बिफोर वेस्ट मैनेजमेंट, कि इसके स्तर को मेंटेन करने के लिए या इसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐसा है जो कि किया जा रहा है? ODF प्लस एक टेक्निकल टर्म है, इसको साधारण भाषा में आपको बताऊंगा। इसमें 3 स्तर होते हैं, जी, एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल। जी, एस्पायरिंग है शुरू का स्तर, यानी कि किसी एक गाँव में अगर आपके पास ठोस या तरल किसी एक कचरे के प्रबंधन के लिए काम कुछ हो गया है और आगे भी हो रहा है तो एस्पायरिंग गांव बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए गांव की बात करें, उसमें 100 घर हैं और उसमें 20 से 30 घरों में सोखता गड्ढों का निर्माण हो गया है, अच्छा, यानी कि तरल कचरे का प्रबंधन वहाँ पे हो रहा है, तो वो एस्पायरिंग में आ सकता है। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा राइजिंग में आने का। उसके लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके गाँव में ठोस और तरल दोनों कचरों पर काम होना चाहिए, यानी तरल कचरे के लिए सोकपिट बने हों, नालियां बनी हों, ढकी हुई हो, और ठोस कचरे के लिए आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबरधन प्लांट हो, उस तरह का, तो आ जाएगा राइजिंग कैटेगरी में। जो तीसरी कैटेगरी है मॉडल, उसके लिए वो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ठोस और तरल के साथ साथ आपके जो सामुदायिक स्पेसिस होते हैं, मान लो गाँव की मार्केट है, गाँव का स्कूल है, उसमें एक तो सफाई दिखनी चाहिए जी, और आपके जो स्वच्छता से रिलेटेड ICA यानी कोई नारे हैं या उसके बारे में ठोस और सूखा गीले कचरे को अलग कैसे करना है, घर घर में उसके बारे में जानकारी हो, पब्लिक प्लेस में उसके पोस्टर्स हो, पेंटिंग्स हो, उसका प्रावधान होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं ODF प्लस की जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ODF हमारा जो पहला टारगेट है, हम अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा हर गाँव जो है वो एक तरह से एस्पिरेशनल कैटेगरी में आए, क्योंकि लगभग हर गाँव में काम शुरू हुआ हो और कुछ घरों में काम पूरा हो गया हो, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। लगभग 2 महीने में हमारी कोशिश है कि हमारे मैक्सिमम गांव 20,000 से ज़्यादा गांव है एस्पिरेशनल कैटेगरी में ODF प्लस में आएंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारा ये जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता व ग्रामीण विकास विषय पर है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कीर्ति चंदेल जी, और ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। तो अपनी कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं और बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। तो अभी हम जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो ड्राई और वेट वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो ये किस तरीके से किया जाता है, काइंडली इसके बारे में थोड़ा बताएं। वेस्ट मैनेजमेंट को अगर जैसे आपने कहा सक्सेस बनाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हाउस होल्ड लेवल पर घर घर पर वेस्ट सेग्रीगेशन हो। अच्छा, और ड्राई और वेट वेस्ट 2 तरह की कैटेगरीज है इसमें, और जो इसमें सूखा कचरा, गीला कचरा इसको कहते हैं साधारण भाषा में। गीले कचरे से हमारा तात्पर्य वो कचरा जिसमें वाटर कंटेंट होता है और वो सड़ गल जाता है जी। इसमें बची हुई सब्जियां आती हैं और ऐसी चीज़ें जो किचन का वेस्ट होता है जो सड़ गल जाता है, और जो सूखा कचरा इसमें आता है कागज़, प्लास्टिक, कांच, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या बाकी तरह की चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हालांकि सूखे में रखते हैं, उसको अलग से रखते हैं, वो हैजार्डस वेस्ट है, तो सूखे में बाकी चीज़ें आती हैं। तो अगर हमने वेस्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें सबसे जरूरी है घर घर पे सेग्रीगेशन हो। अच्छा, ताकि जो गीला कचरा है उसको आपको कंपोस्ट पिट पे सिंगल या सामुदायिक जैसे उसमें हम डाल सकें, और जो आपका सूखा कचरा है उसको आगे जाके हम सेग्रीगेट करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसके बारे में आगे बात शायद डिटेल में करेंगे, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इस तरह से हाउस होल्ड लेवल पर सूखा और गीले कचरे को अलग अलग करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो जरूरी है। यहाँ एक सवाल और उठता है कि शहरी स्तर पर तो ये गीला और सूखा कचरा अलग अलग इसका वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर अभी एग्जैक्ट सिचुएशन सर क्या है? एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि ग्रामीण स्तर पर जैसे गांव से हम सब लोग किसी न किसी तरह जुड़े हैं, 90% जनसंख्या हमारी गाँव में ही रहती है, तो सबसे पहले ये कि जो हमारा गीला कचरा है जी, ज़्यादातर गाँव में उसके प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारी जो सूख बची हुई सब्जियां हैं या फिर सब्जियों से बचे हुए छिलके वगैरह हैं, वो हम वहाँ पे गाँव गाय को डाल देते हैं। गीले कचरे को हम घर के पीछे की ही खड्डे वगैरह में उस तरह से दबाने का इंतजाम लगभग किया जाता है। जो प्रॉब्लम गाँव में आ रही है, जैसे अब चेंज आ रहा है, वो है सूखे कचरे की, प्लास्टिक, कांच और कागज़।
ये एक बड़ा मुद्दा है। अब कबाड़ी वाला जो है आमतौर पे हर गांव पे इतना हर घर पे नहीं पहुंचा होता है, तो इसके लिए हम दो कदम उठा रहे हैं। एक है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो सबसे पहला कदम है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हर गांव में, हर गांव के कुछ गांव के क्लस्टर में हम एक यूनिट स्थापित कर रहे हैं। तो उसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 6 गांव हैं उनके बीच में एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगा। ओके, अब उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जरूरत है कि उस जो सूखा कचरा है प्लास्टिक और रिसोर्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तक लाया जाए। ठीक है, तो पंचायत पहले उसका इंतजाम करेगी, या फिर कोई गाड़ी या ई रिक्शा या उसके थ्रू लोगों से सूखा कचरा इकट्ठा किया, प्लास्टिक वगैरह उस वेस्ट मैनेजमेंट तक लाया। दूसरा काम आएगा उसका सेग्रीगेशन। अच्छा, सेग्रीगेशन मतलब कुछ ऐसी होगी जो बॉटल्स होंगी या कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो डुअल यूज़ होते हैं या रिसाइकलेबल होते हैं, उनको वो कबाड़ी वाले को बेचेंगे, उससे थोड़ा इनकम कमाएंगे। यहाँ सर जो थर्ड कैटेगरी मुझे लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं खराब हो गए हैं, हमारे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक समय पे काम करना बंद कर देते हैं, तो इस तरीके से जो हमारा वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या उसके लिए कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? इसका जो मैंने कहा दूसरा कदम, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारे हैजार्डस वेस्ट को लेके। ओके, उसमें नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो उसमें जैसे आपको देखा होगा 2016 में गाइडलाइन आई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, वो गाँव में भी लागू हुए हैं जी, उसमें हम ये कदम करेंगे कि जो सेग्रीगेशन सेंटर है कि उसमें जो प्लास्टिक कांच और इस तरह की चीज़ जब निकल जाएगी और हैजार्डस वेस्ट जो बचेगा, फिर उसके ऊपर ये काम किया जाएगा कि उसको या तो किसी रिसाइकल सेंटर पे उसको दिया जाए, क्योंकि तीन चीज़ें रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। अच्छा, वेस्ट को या कम करो या रीयूज करो या उसको रिसाइकल करो, रिसाइकल कर दो। इन्हीं तीन पहलुओं पर हम हैजार्डस वेस्ट पर काम करेंगे। लेकिन गाँव में जैसे आपने कहा कि चेंज आ रहा है, पहली समस्या जो गाँव में बड़ी समस्या वो है प्लास्टिक की, प्लास्टिक हैजार्डस वेस्ट की समस्या। उसके बाद अभी इतनी वो नहीं है कि उस पर हम एकदम से उसको प्रायोरिटी दे और प्लास्टिक और सूखे और गीले को ना दे। अच्छा, गोबर जो है और गोबर धन जैसे हम स्कीम की अगर हम बात करें तो वो एक मेजर चैलेंज है, प्लास्टिक के मेजर चैलेंज है, इस तरह के चैलेंज ज़्यादा हैं। सर अभी गोबर धन स्कीम की आपने बात की है, ये क्या है और क्या इसका मेन मोटिव है, इसके बारे में हमें बताएं। गोबर धन स्कीम जो है एक स्कीम है जिसमें हम, जैसा कि इसे नाम से कि गोबर को एक वेस्ट से हम धन में इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। गोबर्धन स्कीम के अंदर हम लगभग हिमाचल में, हमारा पहला टारगेट है कि हम 12 से 14 इसमें प्लांट्स लगाएंगे, जो कि लगभग 85 क्यूबिक मीटर के प्लांट होंगे, यानी कि 60 से 100 गांवों के गोबर को ये प्लांट जो है प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि 60 से 100 गांव एक गांव में मिलना मुश्किल तो नहीं है, पर एक गांव में उसका गोबर इकट्ठा करना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये हम जो गौशालाएं हैं हमारी, जैसे नालागढ़ में कुछ है, ऊना में है, मंडी में, इनको चयनित किया गया है, यहाँ पे इन प्लांट्स को लगा रहे हैं। इसका आपने लॉजिक समझना तो वैसे समझ, तो एक गाय एक दिन में 15 से 20 किलो गोबर जो है वो जनरेट करती है। 15 से 20 किलो गोबर से जो गोबर धन में हम इसको जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उससे एक गांव की, एक आदमी की कुकिंग गैस जो है वो निकल जाती है, यानी एक गाय के गोबर से एक आदमी के खाने बनाने के लिए जो गैस चाहिए उसका इंतजाम हो जाता है। और उसके बाद जो मटेरियल बचता है इसमें, वो भी एक पॉजिटिव है, जो गोबर स्लरी होती है उसको एज अ मैन्योर खेतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे हम बात करें कि हम प्लांट में लगा रहे हैं, तो लगभग हम 60 से 100 गायों के गोबर को एक दिन में प्रोसेस करेंगे, तो लगभग वही 60 के आसपास लोगों के लिए उसमें कुकिंग गैस बन सकती है, जिसके साथ उनको गैस से कनेक्शन दिया जा सकता है, और जो मैन्योर बचेगा वो अगेन आसपास के खेतों या उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये बड़े प्लांट लग रहे हैं, आगे जाके जैसे तकनीक और विकसित होगी और इनके बारे में जानकारी बढ़ेगी तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ हमारी स्वयं सहायता समूह की लेडीज़ है जिनके पास 5 से 10 गायें हैं, अच्छा, उनको इस तरह के प्लांट जो हैं सब्सिडी पर दिए जाएँ, ताकि अगेन गोबर को एक गोबर धन में कन्वर्ट किया जा सके। अब आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट की अक्सर बात होती है और हर एक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण भी माना जाता है और देखा भी जाता है कि हर एक क्षेत्र में है, और यहाँ पर मुझे लगता है ये एक बेहतर पहल है ये महिलाओं की, कि वो भी अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करें स्वच्छ भारत में, बिल्कुल मिशन के तहत। इसके अलावा आज चल भी रहा है, जैसे महिला मंडल हैं हमारी स्वयं सहायता समूह की लेडीज़ हैं, ये वैसे भी गांव स्तर पे जब कैंपेन चलती है या भांग उघाड़ अभियान चलता है, इस तरह की चीज़ चलती है, तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बरसातों से पहले हमारी बावड़ियाँ होती हैं, इनको साफ़ करने की कैंपेन चलती है, तो उसमें युवक मंडल और महिला मंडल दोनों अभी भी हिस्सा लेते हैं और अच्छे से इसमें योगदान करते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो कहीं ना कहीं लेडीज़ के साथ उसे कनेक्ट ज़रूर किया जाता है, तो जहाँ तक गर्ल्स और लेडीज़ के लिए सैनिटेशन की बात है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सैनिटेशन का इसमें एक बड़ा विस्तृत कंपोनेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। उसके तहत जो इनिशियल स्टेप लिए गए हैं, हमारे जो
आंगनवाड़ीज हैं और जो हॉस्टल्स हैं जी गर्ल हॉस्टल्स हैं उनमें आइसोलेटर्स दिए गए हैं जो कि सैनिटरी पैड्स के डिस्पोजल में एक तरह से डायरेक्टली हेल्प करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसमें काम किया जा रहा है हमारा स्वच्छता ग्रही का कंसेप्ट है एक, जिसके तहत गांव में आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं या फिर आपके जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको स्वच्छता ग्रही का दर्जा भी दिया जा रहा है। उनका काम ये है कि वो महिला मंडल्स को, वुमेन्स को, एसएचजीज को इसके बारे में जागरूक करें। ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कंपोस्ट पिट्स के ज़रिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हमें बताएं कि उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहता है। हाँ जी, जैसे हमने बात की थी कि जो कचरा है सूखा और गीला दो प्रकार का होता है। सूखा तो आ गया आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में चला जाएगा या फिर कबाड़ी वाले के साथ चला जाएगा, रह गया गीला कचरा जी। अब गीला कचरा जो है वो स्मेल भी ज़्यादा देता है, सड़गल भी जल्दी जाता है। उसके प्रबंधन के लिए हर घर में जैसे कि सिरमौर में पहल हुई है कि इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट सैंक्शन किए जा रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल टॉयलेट हैं वैसे ही इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट, ठीक है। उसे 5,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन से मिलेंगे, 5,000 रुपये नरेगा से। ओके, उस कंपोस्ट पिट में उस कचरे को डाला जाएगा और वो सड़क एक तरह से खाद का रूप लेगा, तो उस तरह से उसकी मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी अगर हम ग्रामीण स्तर पर ओवरऑल अचीवमेंट की बात करें कि जब ये मिशन शुरू हुआ था तब और आज की डेट में जो प्रेजेंट सिचुएशन है तो वो अचीवमेंट क्या रही हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें कुछ मेजर अचीवमेंट्स हमारी रही हैं, जैसे कि 2016 में हम खुले में शॉर्टमुक्त स्टेट बने, 2022 की बात करें, 21 की बात करें तो अब हमारे कई हजारों में ऐसे गांव हैं जिसमें तरल कचरा जो होता है हमारा उसके प्रबंधन के लिए सोक पिट्स और आदि बनाए जा रहे हैं। तो उस तरह से हमने इसमें प्रोग्रेस किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हर ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक यूनिट एक जो है वो आप देखेंगे कि इस साल के एंड तक हम ऑपरेट कर रहे होंगे। तो ये मुझे लगता है अच्छी अचीवमेंट है कि हम शौचालय से लेके ठोस और तरल कचरे प्रबंधन को तक काम कर रहे हैं। अब सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा टेक्निक्स के ऊपर भी बात करना चाहूँगी और सोशल मीडिया का जो रोल है बिल्कुल अवेयरनेस को लेकर के उसके बारे में भी आपसे बात करना। बिल्कुल, टेक्निक जैसे हम देख रहे हैं कि पहले जो था शौचालय बनाना, उसको पानी देना उतने तक लिमिटेड थी, लेकिन अब जो टेक्निक्स हैं सिर्फ एक तो है कंस्ट्रक्शन, सोक पिट्स हो गए, जालीदार सोक पिट्स बनाना वो हो गए। दूसरी टेक्निक आती है आपकी इंसिनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। इंसिनरेटर्स हम कुछ जगह पे यूज़ कर रहे हैं और कुछ जगह पे प्लान कर रहे हैं, तो इंसिनरेटर्स की टेक्निक है। तीसरी है गोबरधन। गोबरधन अपने आप में एक टेक्निकल प्रोजेक्ट है, बिकॉज गोबर से अगर आपको गैस बनानी है, एनारोबिक उसमें डिकम्पोजिशन होती है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और साथ में अवेयरनेस के लिए लेके पहले से भी हमारे यहाँ पे रैलीज होती हैं, स्कूल में होते हैं, पखवाड़े होते हैं, निर्मल भारत अभियान होता है जी। उसके साथ साथ अब जरूरी है कि हम सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे महिला मंडल्स के ग्रुप हैं, उनको हम जानकारी शेयर करते हैं। अच्छा, फेसबुक पे आप देखे होंगे ग्रामीण विभाग का पेज है, उस पे जानकारी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो चलती है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो व्हाट्सएप पे तो हम हैं ही हैं, अब सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जा रहे हैं, सारे में इसका जो है स्कीम्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर हम फीडबैक की बात करते हैं तो फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, फीडबैक आता है? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आजकल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण चला है और आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें या फिर आप ऐप भी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की, उसमें आप साफ साफ फीडबैक दे सकते हैं। उसमें 4-5 प्रश्न है कि क्या आपके घर से कचरा उठाया जा रहा है, क्या आप सूखा गीला कचरा अलग करते हैं, क्या आपके पास शौचालय और पानी की सुविधा है, तो इस तरह के बेसिक से सवाल उसमें हैं। और उससे में आप मेरा से भी अनुरोध रहेगा आपके जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो चला है आजकल उसमें अपनी फीडबैक आप दीजिए। सर आप यहाँ पर आएँ और आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हैं तो आपका हम जहाँ सबसे अब जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कहा जाता है कि भगवान वहाँ बसते हैं जहाँ पर स्वच्छता होती है, तो ऐसे में जैसा साफ़ सुथरा घर हम चाहते हैं ना, वैसे ही साफ़ सुथरा देश हम सभी को बनाना है। और नैतिक स्तर पर हमें जो है अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, उसे निभाना है, ताकि ये जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है ना और स्वस्थ भारत का जो ये मिशन है ये हमारा जल्दी से जल्दी हम अचीव कर पाएं। इसी के साथ दें आप अब हमें इजाज़त, लेकिन देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल।